प्रणाम, ओम नमः शिवाय। ये जो वृक्ष है इसका नाम है जम्मू। एक्चुअली जिस तरह के काले जामुन होते हैं वैसे ये भी जामुन जैसा ही होता है, लेकिन जामुन बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अभी इसके पकने का समय है, अभी से इसके फलों को बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये मेरे हाथ में एक छोटा सा गुच्छा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हरे रंग के छोटे छोटे जामुन ये मेरे हाथ में हैं। ये जामुन हैं जो अभी बिल्कुल कच्चे हैं और इनको अभी बड़ा होने में तकरीबन अभी 20 से 22 दिन का समय लग जाएगा। तो 20-22 दिन के बाद ये खाने लायक हो जाएंगे। यहाँ भालू इस जंगल में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भालू का ये अच्छा, भालू से भी खाते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं। हमने वाले अवस्था से उनको इस वृक्ष पर अधिक चढ़ते हुए देखा है, तो इनको खाने के लिए। और पक्षी भी यहाँ बहुत आयात में आते हैं इस जंगल में इन जम्मू के फलों को खाने के लिए। खैर, ये प्रकृति की सुंदरता है। इसका वृक्ष हालांकि बहुत मज़बूत नहीं होता, इसकी जो टहनियाँ होती हैं ये थोड़ी कमज़ोर होती हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी विशालकाय वृक्ष होता है और चढ़ने में आसान है, इसमें आप सरलता से चढ़ पाते हैं। और ये थोड़ा झुका हुआ और आगे फैला हुआ वृक्ष है। आज मैं आपको यहाँ से एक साधक की वृत्तियों के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि जब हम साधना करते हैं और साधना की तलाश करते हैं, क्योंकि भारत में योग की एक बड़ी विशद प्रणाली है, पूरी की पूरी यौगिक परंपरा है पूरी की पूरी, जहाँ हमें ऋषि मुनिगण किस तरह से योग किया जाए और क्या योग दर्शन है इसके विषय में बताते हैं। और भारत ही योग की उत्पत्ति स्थली रही, और भारत में भी ये हिमालय, इनकी तो बात ही क्या कही जाए। कोई ऐसा योगी इस पृथ्वी पर होगा ही नहीं, विशेष तौर पर कि भारत में तो कोई भी ऐसा पहुंचा हुआ ऋषि मुनि आपको मिलने वाला है नहीं जो कि इस भारत की भूमि से इस हिमालय तक ना पहुंचा। क्योंकि यहाँ हम आनंद करने आते हैं, उत्सव मनाने आते हैं, साधना करने आते हैं, आनंद को समझने आते हैं, अपने आप को समझने आते हैं। ये इतना सुंदर है कि यहाँ अगर आप देखेंगे बहुत अद्भुत वन क्षेत्र है, शांति है। अब इस वृक्ष की छाया में केवल बैठने मात्र से मुझे एक सुख मिलता है। मैं शारीरिक रूप से अब काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन शायद हृदय से वैसा ही योगी रह गया जैसा मैं बहुत बाल्यावस्था में था। बाल्यावस्था से इन वृक्षों पर रहना, इन पर चहलकदमी करना, उछलना कूदना और इनकी छाया को अनुभव करना, ये हमारी वृत्ति में रहा। और योगियों ने भी वन प्रांत में रहने को, एकांत में रहने को बहुत श्रेष्ठ माना है। लेकिन इन सबसे पहले, इससे पहले कि आप योग को समझें, इससे पहले कि आप अध्यात्म को समझें, सबसे पहले मनुष्य को अपनी वृत्तियाँ समझनी पड़ती हैं। ये वृत्तियाँ क्या हैं? वृत्तियाँ कुछ आदतों को कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि क्या आप एक योगी हो पाएंगे, क्या आप एक आध्यात्मिक पुरुष हो पाएंगे, क्या आप एक साधक हो पाएंगे अथवा नहीं। जैसे देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ से बताता हूँ, और कुछ मुझे यहाँ पेड़ के साथ अटखेलियाँ भी तो करनी है ताकि मैं इस ऊंचाई का भी मज़ा ले सकूँ। देखिए यहाँ कितना सुंदर है ये, हालांकि बैठने के लिए बहुत चुभता है ये, बहुत। अब ये देखिए, उफ कितना सख्त है ये, बहुत ज़्यादा। अब ऊपर से ये धोती, हाँ, तो मैं आपको साधक की वृत्तियों के बारे में बता रहा हूँ। धोती लटकती रहेगी। जैसे मान लीजिए पांच मित्र घूमने के लिए जा रहे हैं कहीं किसी भी स्थान विशेष पे, मान लीजिए कोई तीर्थ स्थान है। जैसे कि हमने कहा कि चलिए हिमालय पर चलते हैं, हम पांच भैरव भैरवों को साथ लेकर चलते हैं, और हम चार पांच भैरव भैरवी मिलकर हिमालय पर घूमने आ गए। अब हिमालय पर कैसे रहना है इसकी तो नियमावली है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि सर्वत्र मलमूत्र का त्याग किया नहीं जाता, और पानी के स्रोतों को स्वच्छ रखना पड़ता है, उसके निकट बिल्कुल नहीं जाया जाता, और साबुन से वहाँ नहाना या आधुनिक ब्रश लेकर वहाँ ब्रश करना ये सब वर्जित है। ठीक, फिर प्रकृति में कैसे रहा जाता है जब आप ये सीख लेते हैं, उसके बाद जब आप वहाँ साधना करने लगते हैं, चाहे अपने गुरु के सानिध्य में
या अपने गुरु भाई बहनों के साथ। तो मान लीजिए मैं सारे भैरव बहनों को लेकर आया। अब पहले जब हम रास्ते में चल रहे हों और तब किसी के पास कम सामान है और किसी के पास ज़्यादा, कोई उस रास्ते से परिचित है और कोई बिल्कुल अपरिचित है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में जो व्यक्ति उस रास्ते को जानता है, ये उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो उन लोगों का मार्गदर्शन पहले करे, उन लोगों की सहायता पहले करे जो कि उस रास्ते पर जाने वाले हैं। ये वृत्ति क्या आपके अंदर है? यदि आपके अंदर ये वृत्ति है तो वास्तव में आप धन्य हैं, क्योंकि आपके अंदर अध्यात्म के लक्षण बाल्यावस्था से ही हैं। क्योंकि ये वृत्तियाँ ये दर्शाती हैं कि आप अब किसी भी किस्म की साधना में खरे उतर सकते हो, क्योंकि ये वो गुण है, ये वो वृत्ति है जो आपको आगे ले जाती है। अब दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास भारी सामान है लेकिन सामने वाले के पास उतना भारी सामान नहीं है, लेकिन आप कुशल हैं, आप उस रास्ते पर चलना जानते हैं, आप उस रास्ते को भली भांति जानते हो, इसलिए आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति का बोझ हल्का कर सकता हूँ, और आपने उसमें से कुछ सामान मांग लिया और अपने साथ अपनी पीठ पर उठा कर ले गए, तो भी आपके लिए खुशखबरी वाली बात है। यदि ये सहज गुण आपके भीतर है तो आप साधक हैं, तो आप कोई भी साधना करेंगे आप सफल होंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपके हृदय चक्र के विकास का पता चलता है। हृदय चक्र, अब ये हृदय चक्र क्या बला है? हृदय चक्र कहते हैं आपके भीतर की विचारधारा, आपके भीतर की प्रसन्नता, आपके भीतर की इन्हीं सभी आदतों। अब यदि मान लीजिए मैं जामुन के वृक्ष पर हूँ और यहाँ पर अगर जामुन पके हुए होते और मैं केवल अकेला खाता और मेरे साथ मान लीजिए दो चार और भैरव भैरवी हैं और मैं उन्हें नहीं देता, तो मैं कभी साधना में सफल होने वाला व्यक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो वृत्ति है ही नहीं साधक साधिकाओं की, भैरव भैरवियों की। ऐसे में मेरी समस्त साधनाएँ कभी भी, मैं चाहे जितने करोड़ों मंत्रों का पुरुषचरण या जाप करूँ, वो नष्ट हो जाएंगे। जो व्यक्ति मिल बांट कर खाता है, जो व्यक्ति दूसरे को देना जानता है, जो दूसरे की गलती हो जाने पर भी उसे क्षमा करना जानता है, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। हालांकि कभी कभी गुरु लोग क्षमा नहीं करते, क्योंकि गुरु का कार्य क्षमा करना नहीं है, उनका कार्य है लताड़ना। वो तो लताड़ते हैं, अगर हमने गलती की तो हमें लताड़ेंगे कि देखो तुमने ऐसा क्यों किया, ये गलत है, और गुरु दंड देते हैं। वास्तविक गुरु तो दंड ही देते हैं, सीधी सीधी बात आप मान लीजिए, क्योंकि हमने तो बाल्यावस्था से इस गुरु शिष्य परंपरा को समझा है ना, इसे हमने जाना है स्वयं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु का उत्तरदायित्व दूसरे उत्तरदायित्व से भिन्न होता है, इसलिए गुरु आपको डांटता है आपकी गलती हो जाने पर। यदि आप साधक हैं और आपने देखा कि किसी दूसरे साधक से वो गलती हो रही और आप उसी गलती को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करते हो और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हो, तो माफ़ कीजिएगा, आप चाहे आगम निगम कर रहे हो, चाहे मंत्र या तंत्र, चाहे ज्योतिष सीख रहे हो, या चाहे कोई भी आध्यात्मिक विधा, आपका खुद का अंत बुरा होने वाला है, इसलिए अभी से आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ये छोटी छोटी वृत्तियाँ होती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है इन्हीं वृत्तियों के कारण एक व्यक्ति योगी हो जाता है और एक व्यक्ति ताउम्र योगी नहीं हो पाता। देखिए, मैं इस हिमालय के वन में हूँ, आनंद लूट रहा हूँ ना इस वृक्ष के ऊपर। यदि आप मेरी इस हरकत को देखेंगे तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी क्या कहेंगे मालूम है? देखिए, इस बानर व्यक्ति को कुरान तक पीठ का पीठाधीश्वर पता नहीं किसने बना दिया, कहेंगे ना? क्योंकि वृक्षों पर ऐसे लटकना किसी भी एक बड़ी आध्यात्मिक पीठ के पीठाधीश्वर को क्या शोभा देता है? और क्या किसी पंच पीठाधीश्वर को ये शोभा देगा? क्या किसी हिमालय के योगी को क्या ये शोभा देगा? साफ शब्दों में उनकी बुद्धि के अनुसार नहीं। क्यों? क्योंकि उनका बुद्धि चक्र चलता है, अर्थात बुद्धि। और यदि किसी साधक की वृत्ति में ये बुद्धि का अधिक इस्तेमाल करना सम्मिलित हो, तो आप ये याद रखिए, वो भी साधक कभी होने वाला नहीं। इसीलिए आप देखें, अधिकांश साधक बुद्धिवादी होते हैं, वो कहेंगे कि ये पेड़ पर क्यों चढ़ा है, ये बात तो नीचे से भी कर सकता हूँ मैं, और सच में मैं ये बात जो आपसे कर रहा हूँ बिना वृक्ष पर चढ़े भी तो कर सकता हूँ, तो मैं क्यों चढ़ाऊँ? क्योंकि मैं बुद्धिवादी नहीं, मैं अपने बुद्धि का प्रयोग करना जानता हूँ और बुद्धि पर अंकुश रखना ही जानता हूँ। इसीलिए क्योंकि मेरे पास बुद्धि के अतिरिक्त हृदय चक्र है और मैं उसको प्रधान मानता हूँ, और बुद्धि के साथ साथ जितना बुद्धि का इस्तेमाल उतना ही हृदय चक्र का इस्तेमाल, इसलिए होंगे हम कुलांतक पीठाधीश्वर, वो हम अपनी क्षमताओं की वजह से बने हैं, केवल ऐसा नहीं, उसमें हमारे गुरुओं का तपोबल, उनका प्रेम है,
उनका दिया हुआ ज्ञान है जो हमें उस पदवी तक लेकर जाता है। लेकिन मूलतः मैं एक साधारण योगी हूँ, एक साधारण प्रेमी हूँ, एक साधारण मनुष्य हूँ, एक साधारण भक्त हूँ, और अपने मित्रों से, अपने सखाओं से, अपने सभी घर धर्म से प्रेम करने वाला हूँ। इसलिए मेरे भीतर वो वृत्ति भी रहती है जो हृदय चक्र पर है। यदि आपके भीतर हृदय चक्र का पागलपन है ना, तो आप याद रखिए, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। आप कोई भी साधना करेंगे, किसी भी स्थली पर जाएंगे, आपको वो साधना अवश्य फलीभूत होगी ही होगी, क्योंकि आपके भीतर हृदय चक्र है। क्योंकि ये गांभीर्य, क्योंकि आपका ये गांभीर्य, आपका ये बुद्धि चक्र जब आप पर हावी होने लगता है, तब तो साधना नहीं होने वाली। इसलिए आपको अपनी वृत्तियों का हमेशा अध्ययन करना पड़ेगा। अभी इन्हीं वृत्तियों में मैं कुछ और वृत्तियाँ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, कुछ लोगों के भीतर एक अजीबोगरीब वृत्ति भी होती है। आप कभी देखें, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हम किसी पहाड़ पर जाएं, तो लोग इसी इस तरह से व्यवहार। अब मैं आम जीवन की बात करूं, कोई दूसरा व्यक्ति, उसकी भी ये आदत होती है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करे, उसको उसमें केवल नकारात्मकता नजर आती है। तो ये व्यक्ति कभी भी सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि उसे हमेशा दूसरे व्यक्ति में हमेशा दुर्गुण नजर आएगा और उसमें कमी नजर आएगी, और यही कमी उसके भीतर के गुणों को ढक देती है। क्योंकि उसकी ये नकारात्मक देखने की दृष्टि उसे कभी कभी अच्छा देखने ही नहीं देती, और यही कारण है कि वो हमेशा उन चीज़ों को देखता चला जाएगा जिनको कि देखने की आवश्यकता है ही नहीं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी वृत्तियों की वजह से हम साधक नहीं बन पाते। अब हम मान लीजिए हिमालय पर घर बना के भी रह लें, गुफा या कंदरा में भी साधना करते रहें, अगर आपकी ये वृत्तियाँ ही ख़राब हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी आप अध्यात्म के लायक हुए नहीं हैं। पहले आपको अपनी इन आदतों पर ही काम करना पड़ेगा, और इन्हें ही हम संस्कार कहते हैं। संस्कार बहुत सारी वृत्तियों को मिलकर बनने वाली चीज़ें हैं। हालांकि संस्कार में कुछ व्यर्थ की चीज़ें भी हो सकती हैं, बहुत सारी, हालांकि मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे फिर। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि यदि आप उनको संस्कारों में ना भी माने, तब भी आप साधक बन सकते हैं। लेकिन यदि आपकी वृत्तियाँ ख़राब हैं, तो कोई संभावना नहीं है कि आपके भीतर योगी बना है, आपके भीतर एक साधक बना है, आपके भीतर भैरव भैरवी होने का गुण है। आप इन वृत्तियों के नकारात्मक होने पर पूरी तरह से हार जाओगे। इसलिए फिर आपका जीवन में ये सब साधना पथ की ओर मुड़ना, अपना कदम बढ़ाना बेकार हो जाएगा। क्योंकि वृत्तियों को संचालित मन करता है, देखना, और मन और बुद्धि मिलकर आपके साथ ऐसा ऐसा खेल खेलते हैं कि शायद आप उसका कोई सही उपाय न ढूंढ पाएं कि इससे हम बाहर कैसे निकलें। आप अपनी ही एक दुनिया बनाते हैं वृत्तियों के कारण, जहां आपकी बुद्धि कहती है आपको ये करना चाहिए, और मन कहता है हाँ बिल्कुल सही सोचा तुमने, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। ठीक, ये जो बुद्धि की और आपकी वाणी है, हृदय की वाणी, ये मिलकर आपको ऐसे मोहपाश में फांस देती है कि कभी कभी हम भी उस मोहपाश में फंसे रहते हैं। जैसे कि ये वृक्ष, मुझे तो ये वृक्ष बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा इस वृक्ष पर रहूँ, लेकिन मैं हमेशा इस वृक्ष पर रह नहीं सकता, क्योंकि ये मनुष्य की वृत्ति नहीं है। मनुष्य की वृत्ति केवल इतना है कि मैं इस वृक्ष पर रहूँ, और इस वृक्ष की उतनी सेवाएँ ले सकूँ, जो इस वृक्ष का उतना उपभोग कर सकूँ जितना मेरी क्षमता के भीतर है। क्योंकि यदि मैं लगातार इस वृक्ष के साथ रहूँगा, तो ये अवश्य ही मुझे रोकेगा, और तब मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा अपने जीवन में। ठीक, तो ये एक और वृत्ति हो गई। तो वृत्तियों के इस तरह से कई उदाहरण हैं। अब जाते जाते मैं आपको कुछ उदाहरण और दे देता हूँ। मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो आपसे ज़्यादा जानता है, तो उस स्थिति में आपको लगता है कि अब क्या किया जाए कि इस व्यक्ति से पीछा छुड़ाया जाए या इस व्यक्ति को नीचा दिखाया जाए। ये वृत्ति पार्श्विक वृत्ति है। ऐसा करने से जो आपके पास एक अच्छा अवसर था उस व्यक्ति से कुछ सीख लेने का, आपने तो वो भी खो दिया। अब आपका विकसित हो पाना ये असंभव है, बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी वृत्तियों से लड़ने के लिए, क्योंकि इस जीवन में कोई भी कार्य आसान नहीं होता। हम जब दूसरे को देखते हैं तो टीका टिप्पणी कितनी आसानी से करते हैं कि ये आदमी खराब है, ये बात खराब है, लेकिन उस बात को, उस घटना को होने में या उसके आगे पीछे जबकि वृत्तांत को जब आप देखोगे, तो पाओगे कि वो बहुत कठिन थी।
इसलिए मैं अधिक नहीं कह रहा, आपको केवल एक राय दे रहा हूँ कि अपने जीवन में अपनी इन वृत्तियों को देखना कि कहीं ये वृत्तियाँ आपको डुबोने वाली तो नहीं है। जैसे मुझे तो अब नीचे जाना है क्योंकि मुझे भी तो इस वृक्ष से नीचे उतर कर आगे के वन का आनंद लेना है, लेकिन फिर भी मुझे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि मनुष्य की वृत्ति और जानवरों की वृत्ति में अंतर है। जानवर अगर मेरी जगह कोई दूसरा पशु होता तो आसानी से चढ़ता और उतरता, अब मैं ठहरा मनुष्य, उतरने में कष्ट होगा लेकिन उतरूंगा जरूर। देखिए कितना मुश्किल है यह उतरना, लेकिन कितना मजेदार। इस तरह से तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य के भीतर वृत्तियां हैं, यही वृत्तियां हमें आगे बढ़ाती हैं और नीचे ले जाती हैं, इनको आप संस्कार कहिए या कुछ और। लेकिन अब मान लीजिए मुझे साधना करनी है, देखिए जैसे मुझे ध्यान करना है, मैंने एक स्थान चुना, जैसे ये प्रकृति के मध्य एक स्थान है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ बैठकर ध्यान करना चाहिए। तो देखिए मैं कैसे ध्यान करूँगा और एक आम मनुष्य कैसे ध्यान करता है। जगह चुन ली, वृक्ष आहा बेहद सुंदर है और यहाँ का परिवेश बेहद सुंदर है, तो मैं यहाँ बैठ गया कि चलिए ध्यान करते हैं, जगह अच्छी है, ये चुभ रहा था तो मैंने इसे तोड़ दिया, फेंक दिया, बैठ गया। तो अब ध्यान कैसे किया जाता है, मैं ध्यान करने आया हूँ, अब मेरे मस्तिष्क में चले गए ध्यान कैसे किया जाता है। अब ध्यान की बहुत सारी प्रणालियाँ होंगी, अब मुझे लगेगा कि मेरे हिसाब से क्या अच्छा है। अब वृत्तियाँ कैसे काम करती हैं, मैंने हाथ ऐसे जोड़े, अब मैंने आंखें बंद की तो तुरंत ख्याल आया कि देखना तुम जंगल के बीच में साधना कर रहे हो, ऊपर से भालू आ सकता है। तो मेरी एक आँख खुली, मैंने देखा सच्ची क्या भालू, फिर मैंने आंख बंद की, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी दिन का समय है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान लगाओ ध्यान। फिर मैंने सोचा ध्यान कैसे लगाऊं, अच्छा चलो श्वासों पे ध्यान, फिर शुरू, श्वास ली श्वास छोड़ी, श्वास ली श्वास छोड़ी। अब मैं श्वास और ध्यान करने लगा, अब मुझे ऊपर जो हवा बह रही है पेड़ों की शिखरों पर वो सुनाई दे रही है, अब मुझे पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, अब मुझे लग रहा है मेरे पीछे से दो मक्खियां भी जा रही हैं भिनभिनाती हुई, अभी किसी परिंदे के पंख फड़फड़ाने की आवाज भी आई। इस तरह मेरा ध्यान जिस श्वास पे होना चाहिए वो श्वास से हट रहा है और कहाँ जा रहा है, इन बाहर के वृत्तियों की ओर। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं नहीं बाहर नहीं श्वास की ओर, अब हवा ठंडी ठंडी आ रही है मेरे शरीर को छू रही है और मैं उसे अनुभव कर पा रहा हूँ और मुझे आनंद मिल रहा है। और मेरी वृत्तियाँ मुझे कहाँ लगा रही हैं, फिर इस हवा की ओर। नहीं नहीं मैं कहता हूँ नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे बस अपने श्वास पर ध्यान रखना है। मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, अब महसूस हो रहा है यहाँ कुछ कीड़ा चल रहा है, फिर भी हटा दिया, फिर से शुरू। अब मुझे पक्षियों के शोर के साथ साथ शहर का ध्यान आ रहा है कि शहर की बिल्डिंगें गाड़ियां कैसी हैं। फिर मैंने फिर कोशिश किया, अब मन रुकने लगा, अब थोड़ा शांत होने लगा, अब ध्यान दाएं बाएं से जो भटक रहा था उसे मैंने बलपूर्वक रोकने की कोशिश की, अब ध्यान गहरा हो रहा है। लेकिन अब मुझे नींद आने लग रही है, अब मुझे धीरे धीरे नींद आ रही और अब मुझे झपकी भी आने लग रही। अब आप बताइए क्या इस तरह से ध्यान हो पाएगा, शायद नहीं। यही कारण है कि आप जितनी बार ध्यान करने बैठ जाते हो या जितनी बार मंत्र जाप करने बैठते हो तो यहाँ खुजली होती रहती है, इधर इधर खुजली होती रहती है। क्यों? क्योंकि अभी आपने अपनी मन की वृत्तियों को अपनी स्वयं की वृत्तियों को समझा नहीं। पहले आपको इन चीज़ों के साथ कैसे निपटा जाना चाहिए इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, और ये वो मूलाधार है। जब तक आपको इस मूलाधार का अनुभव नहीं है, अनुमान नहीं है, तब तक आप लड़ नहीं पाओगे। जो ही आप शांत बैठोगे निद्रा आएगी,
जी आप एकांत में होंगे तो भय आएगा। तो आपको भीतर से कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है, आपको गुरु से कुछ ऐसा सीखने की आवश्यकता है कि ये सब जो छोटी छोटी बातें आपको भ्रमित करती हैं और आप एक बिंदु पर एकाग्र तक नहीं हो पाते, ध्यान का विसर्जन कर पाना तो और भी दुष्कर बात है, ये और भी जटिल। लेकिन ये जटिल आप बना रहे हो, लेकिन सहजता में ये इतना जटिल है नहीं। तो ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि वृत्तियाँ और चित्त की जो वृत्तियाँ हैं आपको कैसे कैसे उलझाए रखती है, कहाँ कहाँ, और कौन से गुण आप में है ही नहीं जिसके कारण आप आध्यात्मिक प्राणी बन ही नहीं पाते। क्योंकि आध्यात्मिक होना जिंदगी में हार जाने जैसा है, क्योंकि जो व्यक्ति हारता चला जाता है सबसे वही तो प्रेमी है, और जो जीतता चला जाता है सबसे वो बेचारा हो जाता है। उस जीत तो सबको लेता है बाहर से, और खुद से खुद हार जाता है। इसलिए अपने आप को झुकाना सीखिए, झुकना सीखिए, दूसरे को देना सीखिए, और दूसरे से प्रेम तभी प्राप्त होगा जब आप उसे निस्वार्थ देते जाओगे, यही सार है। इसलिए इन वृत्तियों को समझकर उसे सुधारने पर बल दीजिए। तो मुझे मालूम है कि इस वृक्ष पर जो जामुन मुझे अभी हरे दिखाई दे रहे हैं वो जल्द ही पककर मुझे स्वाद देने लगेंगे और मुझे आनंद आने लगेगा। ठीक वैसे ही आपके मन रूपी इस वन में जो वृत्तियों के रूपी ये जामुन है, इसके फल तब तक कड़वे रहेंगे जब तक कि आप उस पर काम न करें। ज्यों ही आप उसके सत्य को जान जाओगे ये मीठे हो जाएंगे। मैं फिर लौट कर आऊँगा, आपको कुछ और बताऊँगा इन हिमालय के वनों से भी। तब तक अपना ख्याल रखिए और साधना जारी रखिए। ओम नमः शिवाय, नमो आदेश।